Assalamualaikum everyone, I hope so you all are good. So today our recipe is strawberry delight that we will make with only 3 ingredients. हम देखते हैं कितनी आसानी से ये बन जाएगा. तो मैंने ली लिए मैरी बिस्किट्स, मैंने ली फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और मैंने शुगर ले ली और क्रीम. आई टुक ओल्पर क्रीम, यू कैन टुक एनी वन यू आर कम्फर्टेबल विथ. सो वन बाई वन हम देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं. सबसे पहले मैंने बिस्किट्स को ग्राइंड कर लिया है, शुगर को भी मैंने ग्राइंड करके पाउडर कर लिया है और मैंने स्ट्रॉबेरी की भी स्लरी और पेस्ट बना लिया है और कुछ स्ट्रॉबेरीज को मैंने कट कर लिया है स्लाइसिस में. सो अब हम वन बाई वन देखेंगे कि इनको कैसे बना सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लार्ज बाउल ले लें, उसके अंदर आप अपने क्रश्ड बिस्किट्स को स्प्रेड कर लें इवनली चारों तरफ. आप इवनली स्पैचुला से और योर स्पून से आप इसको इवनली स्प्रेड कर सकते हैं. इट विल मेक द बेस ऑफ द डिश एंड इट विल लुक एंड इट विल लाइक टेस्ट वेरी गुड इन स्ट्रॉबेरी डिलाइट, गिव द स्मूथ टेक्सचर एज वेल. सो अब हम इसके बाद क्रीम को मिक्स करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रीम को एक बाउल में एम्प्टी कर लें. सर स्लोली से आप अपनी क्रीम इसमें डाल सकते हैं. इसमें आप कुछ चैनल्स पे ये विप क्रीम लेने का भी कहा जाता है, बट आप सिंपल क्रीम भी ले सकते हैं. इससे भी आपकी स्ट्रॉबेरी डिलाइट बहुत अच्छे से बन जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि आई हैव क्रश्ड शुगर एज वेल आई हैव स्ट्रॉबेरी पेस्ट और अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं. जिनको ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं. जो मीठा खाने के ज़्यादा शौकीन है, मैंने बस 2 स्पून ऐड किए हैं. उसके बाद फ्लेवर के लिए इसमें स्ट्रॉबेरी पेस्ट ऐड कर देंगे. इट विल गिव द कलर फाइन कलर पिंक एंड एज वेल एज इट गिव टेस्ट. और ये भी अकॉर्डिंगली आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं. मैंने इसमें 4 स्पून ऐड किए हैं. अब इसको आप इवनली मिक्स कर लीजिए. इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा. आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा पिंक कलर लग रहा है. साथ इसका फ्लेवर उससे भी अच्छा आएगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. इवन यू कैन एक्सीड द अमाउंट एंड शुगर एज वेल. और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये आसानी से मिक्स हो जाएगा. और उसके बाद मैंने ऐसे किया कि मैंने कुछ बिस्किट्स का तो पाउडर बना लिया, उसको क्रश कर लिया, बट कुछ बिस्किट्स को मैं अब ल्यूक वार्म मिल्क में डिप कर दूंगी ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए. और आप देखेंगे कि वो भी कैसे स्ट्रॉबेरी डिलाइट में यूज़ हो जाएंगे. और उसके साथ मैंने उसमें कुछ स्ट्रॉबेरी पेस्ट डाल दिया ताकि इसमें भी स्ट्रॉबेरी का टेस्ट चला जाए, ताकि हमारी हर बाइट में स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आ रहा हो इस डिलाइट में. सो इसको सोक कर लें. आप इसको 2-3 मिनट के लिए भी सोक कर सकते हैं. अगर आपको ज़्यादा नरम चाहिए तो आप ज़्यादा देर के लिए सोक कर लें. अब हम वन बाई वन स्ट्रॉबेरीज अरेंज करेंगे. फर्स्ट लेयर हमने बिस्किट्स की लगाई, सेकेंड लेयर हम स्ट्रॉबेरीज की इवनली इसके ऊपर स्प्रेड आउट कर लेंगे. यू कैन सी इसकी इवनली आप लेयर बना लें. और वन स्टेप मैंने जो मिस किया था कि स्ट्रॉबेरीज में कुछ लोग आइसिंग शुगर भी डालते, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं था. सो दैट्स वाई आई डिडंट मिक्स द स्लाइसिस विद द शुगर. बट अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप स्ट्रॉबेरीज स्लाइसिस को भी इसको भी शुगर से कोट कर सकते हैं, या इसके ऊपर शुगर डाल के आप थोड़ी देर रख दें तो ये थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाए. अगर आपकी स्ट्रॉबेरी ज़्यादा सावर है तो आप ये स्टेप कर सकते हैं. नाउ आप देखिए इवनली मैंने क्रीम स्प्रेड आउट कर दी इसके ऊपर. अब मेरे पास जो बिस्किट थे जो मैंने सोक किए हुए थे उनको मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी इवनली, जिसका जो क्रश पाउडर का टेस्ट अलग आएगा और इन बिस्किट्स का अलग आएगा. इट विल गिव एक्स्ट्रा फ्लेवर टू अवर डिश. यू कैन सी इवनली हम इसको अच्छे से इसकी नेक्स्ट लेयर बना लेंगे. ये हमारी 4th लेयर बन रही है. फर्स्ट लेयर बिस्किट क्रश्ड बिस्किट की थी,
नेक्स्ट स्ट्रॉबेरीज क्रीम, और अब हम इसके ऊपर एक और लेयर स्ट्रॉबेरीज की लगाएंगे। ये हमारे हर बाइट में एक स्ट्रॉबेरी ज़रूर आएगी, इससे आपको अच्छा फ्लेवर एंड रिफ्रेशिंग टेस्ट फील होगा, और इसमें आर्टिफिशियल टेस्ट आपको फील नहीं होगा। ये सारी स्ट्रॉबेरी डिलाइट बिल्कुल नेचुरल सा एंड एनर्जेटिक एज वेल। इवन आप अब स्ट्रॉबेरीज कम या ज़्यादा अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यू कैन सी आई एम यूजिंग टू मच स्ट्रॉबेरीज बिकॉज आई लाइक टू मच, सो यू कैन इवन एक्सीड द अमाउंट और रिड्यूस एज पर योर टेस्ट। सो जो क्रीम मेरी बच गई थी वो मैं इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। आपने इसको इवनली स्प्रेड कर लेना है ऐसे ही। आप इसमें क्रीम के अमाउंट भी अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने 1.5 पैक लिया था, आप इसमें 2 or 3 ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू लाइक। कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सो अगेन जो बिस्किट बच गए वो मैंने अगेन इसके ऊपर डाल दिए, एंड नाउ आई विल गार्निश इट विद मोर स्ट्रॉबेरीज लेयर एंड इट विल बी वेरी रिच डेजर्ट फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज मीठा जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है एंड फॉर चिल्ड्रन एज वेल। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, स्पेशली छोटे बच्चों को स्ट्रॉबेरीज फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और उनके लिए ये न्यूट्रिशियस भी काफ़ी है। सो आई एम पुटिंग मोर क्रीम एंड फॉर गार्निशिंग पर्पस सो दैट इट विल लुक अट्रैक्टिव। जो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है उसको खाने का भी दिल करता है, और आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर मोर क्रीम ऐड कर सकते हैं। ना मेरे पास कुछ स्ट्रॉबेरी पेस्ट बचा था जो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, एंड देयर पेस्ट वाज़ द नेचुरल, आई जस्ट ब्लेंड द स्ट्रॉबेरीज इन शुगर। सो आप भी इसका नेचुरल पेस्ट बना सकते हैं। सो यू कैन सी इट विल ऐड एक्स्ट्रा कलर एंड टेक्सचर एंड टेस्ट। नाउ आप इसको अगर मोर गार्निश करना चाहें तो आप इसके ऊपर सम पाउडर बिस्किट स्प्रेड कर सकते हैं। मेरे पास कुछ पाउडर बिस्किट बच गए थे जो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए ताकि इट विल टेस्ट मोर गुड एंड इट विल लुक मोर अट्रैक्टिव। इवनली आप सारे के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हैं और सिर्फ साइड्स पे भी अकॉर्डिंग टू व्हाट यू लाइक। सो आई पुट सम पाउडर ऑन द साइड्स, इट विल टेस्ट एज वेल, इट विल टेस्ट गुड एज वेल एज इट विल लुक गुड। जस्ट गिविंग दिस रेसिपी अ परफेक्ट फिनिश। ओके नाउ आई हैव लेफ्ट फ्यू मोर स्ट्रॉबेरीज एंड आई एम गोना पुट मोर ऑन इट। दिस फ्यू स्लाइसेस लेफ्ट, आई विल गार्निश इट सो इट विल लुक मोर गुड मोर नाइस लुक। वैसे भी आज का स्ट्रॉबेरीज का सीजन है सो आप सबको ये ट्राई करना चाहिए, इट इज न्यूट्रिशियस। ब्लड डेफिशिएंसी के लिए भी स्ट्रॉबेरीज अच्छी होती हैं, इसमें फोलिक एसिड होता है एंड इवन सम विटामिंस आर देयर। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। जस्ट मोर गार्निशिंग पर्पज आई एम पुटिंग मोर क्रीम। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं जैसे आपको परफेक्ट फिनिशिंग किस पसंद हो। अब आप स्ट्रॉबेरी पेस्ट को भी मैंने इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। सो जो आपका बच गया हो उसको इवनली स्प्रेड कर लें इसके ऊपर, और क्यों क्रीम से लिटिल बिट मोर गार्निशिंग यू कैन डू। सो दिस इज लास्ट स्टेप
another step is still left. That if you can guess, you can tell me in comments. I'm putting few more strawberries that was left with in my bowl. कि एक्चुअली आपको जो भी स्ट्रॉबेरी डिलाइट या कोई भी फ्रूट डिलाइट बनाना है उसको आपको रेफ्रिजरेट करना होगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब आप इसको कुछ टाइम के लिए रेफ्रिजरेट करते हैं तो इसके बाद इसको परफेक्ट फिनिशिंग मिलती है, इसका टेस्ट इवन हो जाता है. इट विल टेस्ट लाइक अ होम मेड केक. यू विल कट इट, इट विल बी लाइक अ स्लाइसिस फ्रॉम इनसाइड. ये बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा और आपको बिल्कुल केक की तरह का टेस्ट देगा. If you like the recipe, give us huge thumbs up.